अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ मसरूफियात वगैरह हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियोस वगैरह जो है बनाना छोड़ दिया था। तो इंशाल्लाह अब जो मेरी वीडियोस वगैरह होंगी वो रेगुलर होंगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से आज आपको अपने जानवरों का विज़िट करवाते हैं कि पहले आपने क्या देखा था, मतलब पहले जानवरों का कितना वज़न था, छोटे थे बड़े थे। इस वीडियो में सारी मुकम्मल डिटेल आपको देंगे और मेन चीज़ आपको ये दिखाएंगे कि आज हमने कौन कौन सी मेडिसिन दी है ताकि आप भी अपने बछड़ों को देकर उनका जो वज़न है वो ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से जो ये बछड़ा था इसका जो हमने ऑपरेट करवाया था, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मेन मसला ये था कि इसको सरनैल थी, ये टांगें खोल कर चलता था, इस वजह से ना हमने इसका जो है ऑपरेट करवाया। अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको एक और अहम पैगाम दूंगा, अगर भी कोई मसला हो किसी भी चीज़ का, अगर सरनैल हो या बछड़ा टांगें खोल कर चलता हो, तो फौरन आप डॉक्टर को दिखाएं, उसका मुकम्मल जो है वो ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करेंगे तो माशाल्लाह से बछड़ा जो है वो ठीक हो जाएगा। हर बीमारी का, हर मर्ज़ का जो है वो इलाज तो होता है, ठीक है ना। अब ये जो बछड़ा है माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया, अब ओके है। तो माशाल्लाह से हमने बहुत सारे जानवर जो हैं वो सेल कर दिए हैं, जो बड़े थे हमारे, वो इसलिए कि क्योंकि हमें अब लाना था छोटा फ्लॉक। छोटे फ्लॉक में ये होता है कि दोस्तों वो माशाल्लाह से जल्दी जल्दी वज़न जो है वो ग्रोथ करते हैं और डेली बेस पर जो है उनका वज़न किलो के हिसाब से बढ़ता है। तो हमने अब जो बछड़े रखने हैं ईद के लिए, बकरा ईद के लिए, वो कौन कौन से बछड़े हैं तो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। दोस्तों पहले नंबर पर जो ये बछड़ा खड़ा है आपके सामने दोस्तों, ये हमने कुर्बानी में सेल करना है। उसके बाद दोस्तों एक ये छोटा बछड़ा खड़ा है दोस्तों, ये हम नहीं सेल कर रहे क्योंकि इसको भी 3-1 मंथ हो गए हैं, ठीक है। इसको भी हम नेक्स्ट 3 मंथ बाद जो है वो सेल कर देना है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों हमने और कौन कौन से बछड़े जो हैं वो हमने कुर्बानी में जो है वो सेल करने हैं। जी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये वाला बछड़ा खड़ा है दोस्तों, ये वाला भी हमने इंशाल्लाह कुर्बानी में सेल करना है। इनका जो वज़न है अब आप देख लें वीडियो के अंदर, और इंशाल्लाह 6 माह बाद 7 माह बाद आप इसका वज़न फिर देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि खड़ाने में कितना ही बेनिफिट होता है, कितना प्रॉफिट बंदा गेन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और बछड़ा है यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ की नस्ल का ये बछड़ा है, सेम टू सेम है दोस्तों, ये भी हम कुर्बानी में सेल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये वाला बछड़ा दोस्तों, ये जो जोड़ी, ये दो बछड़ों की एक जोड़ी हो गई, ये दो बछड़े और एक ब्लैक वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, दिखाया था कि ये भी हमने कुर्बानी के लिए खड़ाना है। दोस्तों इस फार्म के अंदर जो 3 बड़े बछड़े हैं तो हम इनको खड़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, जो ये बछड़े खड़े हैं ये हमने कब सेल करने हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक ये बछड़ा है और एक ये बछड़ा खड़ा है दोस्तों, इनको भी हम नेक्स्ट वीक जो है ना हमने सेल कर देना है। माशाल्लाह से व्यापारी वगैरह जो है ख़रीदार आते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो रेट जो है इधर इलाके का बहुत कम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको सेल नहीं किया। इंशाल्लाह मंडी लेकर जाएंगे और वहाँ इसको अच्छे रेट में हम इसको सेल करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं भैंसें वगैरह, ठीक है ना, माशाल्लाह से ये भी ठीक हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है इनके फल वगैरह जो है ये रहे, ठीक है ना, तो देख रहे हैं माशाल्लाह से ये छोटे फल हैं, इनके लिए अभी यही खुराक होती है, ये घास ही खाते हैं और साथ दूध पीते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हमने आज क्या चीज़ इन बछड़ों को जो है वो दी है। दोस्तों सबसे पहले हाजमे के लिए हमने ठीक 7 दिन पहले हमने इनको दी थी निलजान। निलजान का बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों जो अंदर के कीड़े वगैरह होते हैं ना पेट में, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। जो जानवर घास खाता है, चारा खाता है, वंडा खाता है दोस्तों, वो वज़न ग्रो करता है। उसके बाद हमने इनको दिया था दोस्तों आज जो है ना एलवी जेस्ट पाउडर होता है दोस्तों हाजमे के लिए, वो दिया था। उसके साथ साथ हमने इनको प्याज, टमाटर, मिर्चों वाले जो है वो चटनी जो होती है हमने आज इनको वो दी थी। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है किन किन जानवरों को दिए थी निलजान,
और किन किन जानवरों को हमने जो है चटनी दी। दोस्तों ये जो जानवर खड़े हैं, ये सब ये जो बड़े जानवर खड़े हैं माशाल्लाह से, हमने इनको सारों को ना इसको भी हमने ना सारों को हमने निलजान दी थी आज, ठीक है ना, ताकि इनको जो खुराक खाएं ये लगे। तो उसके बाद माशाल्लाह से आप देख रहे हैं दोस्तों, हम एक और बछड़ा लेकर आए हैं माशाल्लाह से। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है ना, खूबसूरत भी है पड़ा, और ये एक नस्ल का है पड़ा दोस्तों, ये नस्ली जिसको बोलते हैं ना, ये वो है पड़ा। कमेंट में बताना कि इसका नाम हम क्या रखें दोस्तों, लाजमी कमेंट में बताना। दोस्तों माशाल्लाह से जो हमारी बछड़ी थी वीडियोस के अंदर आप देखते थे दोस्तों, आज माशाल्लाह से देखें ये है पड़ी, ठीक है ना, तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बछड़ी ने भी वजन ग्रोथ किया, वेट ग्रोथ किया। तो दोस्तों आज हमने इनको चटनी दी थी, ठीक है ना, तो माशाल्लाह से जब पहले लेकर आए थे बछड़े तो तब आपने भी देखा होगा वीडियोस के अंदर, तो आज भी देख रहे हैं, आज माशाल्लाह से बछड़े जो हैं वज़न अपना ग्रोथ कर चुके हैं। दोस्तों इंशाल्लाह ये दो माह इनको और खड़ाएंगे, उसके बाद हमने इनको सेल कर देना है। तो दोस्तों मेन मकसद ये होता है कि वीडियो बनाने का, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और साथ ही आप ना मुकम्मल वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको जो वीडियो के अंदर बताई हुई बात है वो आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। दोस्तों सम टाइम ऐसे फार्मर भी होते हैं जो यूट्यूब से सर्च करते हैं चीज़, अब फॉर एग्जांपल अब किसी बछड़े को बुखार होता है कि यार हम इसको कौन सी मेडिसिन दें, क्या करें, इसका कोई देसी हल या इसका जो टोटका वगैरह होता है वो हम क्या क्या इनको जो है प्रोसीजर होता है ये क्या क्या दें। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई इनको क्या क्या देना है, तो इंशाल्लाह इसके